एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्सअप। आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे, जो कि है ब्लैकहेड्स प्रॉब्लम। बहुत लोगों को होती है, मुझे भी होती है। और हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, डर्ट पॉल्यूशन, तो हमारे स्किन पे ब्लैकहेड्स होना एक कॉमन बात है। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जिनको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है ब्लैकहेड्स की, क्योंकि मेरी स्किन ऑलमोस्ट क्लीन रहती है। मुझे अगर प्रॉब्लम होती है ब्लैकहेड्स की, तो वो नोज़ एरिया पे और चिन एरिया पे होती है। तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ईजी सा और बहुत ही सस्ता सा रेमेडी लेके आई हूँ, जिससे आप अपने घर पर ही स्क्रब करके अपने ब्लैकहेड्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो वो है ये कुछ कोलगेट, जिसे मैं लेने वाली हूँ। अब पी साइज ऑफ अमाउंट मैं इस कोलगेट की लूँगी, और आप भी इसकी हेल्प से अपने ब्लैकहेड्स को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं गाइस। ये बहुत ही अच्छा और सस्ता, जैसे कह सकते हैं चीप एंड बेस्ट रेमेडी, मैं आपको चीप एंड बेस्ट ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ब्लैकहेड्स हटाने का। मुझे ज़्यादा ब्लैकहेड्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं, तो आप इसकी जगह ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस बॉल में पी साइज ऑफ अमाउंट लेने वाली हूँ इस कोलगेट की। मैंने यहाँ कोलगेट यूज़ किया है, कोलगेट सॉल्ट है ये। आप कोई सा भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मैंने लिया, और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 2 pinch ऑफ सॉल्ट, जिसे मैं अच्छे से मिक्स करके अपने नोज़ पर और अपने चिन एरिया पर अप्लाई करूँगी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 pinch ऑफ सॉल्ट। That's it. अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपके ब्लैकहेड्स को इंस्टेंटली रिमूव करने की। अगर आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। यह है, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने टूथपेस्ट क्यों चूज़ किया, क्योंकि टूथपेस्ट में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे ब्लैकहेड्स को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। सो यहाँ मैं अपने नोज़ पर इसे लगा रही हूँ, सबसे पहले अपने नोज़ के ब्लैकहेड्स को रिमूव करने के लिए। मुझे यहाँ इतने ज़्यादा ब्लैकहेड्स नहीं होते हैं, तो मैं इसको 2-3 minutes तक ही रब करूँगी। और आपको अगर ब्लैकहेड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसको 4-5 minutes भी रब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपने स्क्रबिंग कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, और उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या है। वैसे मेरे ब्लैकहेड्स नहीं हैं फेस पे, स्टिल मैंने उसको बताने के लिए ये अच्छा सा रेमेडी, तो मैंने ये अप्लाई किया है अपने फेस पे। अदरवाइज़ मुझे ब्लैकहेड्स बहुत कम होते हैं। तो वॉश कर लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ इस एरिया पे और यहाँ बहुत ज़्यादा रिफ्रेश सा फील हो रहा है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी फील हो रहा है इस जगह पर और इस जगह पर। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्श है या कुछ है। मेरे ब्लैकहेड्स यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जितने भी रहे होंगे वो सब ऑलमोस्ट जा चुके हैं। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है नोज़ एरिया पे और अपने चिन एरिया पे। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बताई है, जो जिससे आप अपने ब्लैकहेड्स को रिमूव कर सकते हैं, और इंस्टेंटली ये आपको रिज़ल्ट देगा। और एक मैं और ज़रूर आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी, जिनकी ऑयली स्किन है या फिर जो पिंपल्स से परेशान रहते हैं या ब्लैकहेड्स से परेशान रहते हैं, उनको वीक में 1-2 बार स्टीम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि स्टीम से हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जब भी आप उस पर कुछ भी क्लींजिंग करेंगे या फिर स्क्रबिंग करते हैं, वो तो अच्छे से होती है। इसलिए आपको स्टीमिंग वीक में 2 times ज़रूर लेनी चाहिए। और मैंने भी ये स्क्रबिंग करने से पहले अपनी स्किन को स्टीम दिया था, जिससे जो भी पोर्स हों और जो भी मेरे ब्लैकहेड्स हों वो सॉफ्ट हो जाएँ, तो जिससे भी मैं स्क्रबिंग करूँ तो वो ईजिली बाहर आ जाएँ। तो इसलिए हमें अपनी स्किन को स्टीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी। दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हमेशा की तरह। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर गाइज़।